प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों, हमारे बीच में एक महात्मा जी हैं। वे मनुष्य के बारे में बताना चाहेंगे, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, किसे मनुष्य कहते हैं, आप सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाना कुछ और बात है, लेकिन मनुष्य बनना कुछ और बात है। शरीर से तो सब मनुष्य ही लगते हैं, लेकिन कर्म से कोई बिरले ही मनुष्य होते हैं। भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हुए कहते हैं, स्वान विटवरा हुष्ट खरे पुरुषम पशु। समाज में छोटे छोटे बात में लड़ते हुए लोगों को देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है, उसको लगता है यह मनुष्य तो मेरा ही खानदान का है। विटवरा, वरा मतलब होता है सुअर, उसका काम क्या है, खाना पीना, बस कीचड़ में उलट जाना। उसी तरह से मानव भी इतना दुर्लभ जीवन पा करके खाना पीना सोना ही इतना ही जिंदगी को सीमित रखा है, तो ऐसे लोगों को देख करके सुअर खुश होता है, उसको लगता है यह तो मेरा ही कुल परिवार का है, क्योंकि कर्म बिल्कुल मेरे जैसे है। और तीसरा प्रशंसक है हुष्ट मतलब ऊंट। आदमी को थोड़ा सा धन दौलत है, घमंड में अकड़ के चलते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, साधु संत महात्माओं के चरणों में नहीं झुकते, ऐसे लोगों को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता है, उसको लगता है यह मेरा ही खानदान का है, क्योंकि मेरे जैसा अकड़ के चलता है। और चौथा प्रशंसक है खर मतलब गधा। गधा जीवन भर मालिक का काम करते हैं, ईटा पत्थर सीमेंट पीठ पे लाद के घर लाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वही गधा जब बुढ़ा हो जाता है, मालिक देखता है कोई काम का नहीं तो डंटा मार के घर से भगा देते हैं। अब वो गधा जिसका खेत में जाए वही डंटा मारता है, कहते हैं धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। उसी तरह से मानव शरीर पा करके जो ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं करते, संसार का धन को एकत्रित करते हैं, और जिस बेटा के लिए धन एकत्रित करते हैं, वही बेटा जब बुढ़ापे में डंटा मार के धक्का मार के माता पिता को दरवाजे से बाहर निकलते, तब वो गधा खुश होता है, उसको लगता है ये मेरा ही खानदान का है, क्योंकि हम भी मालिक का काम किया और डंटा खाते हुए भागना पड़ा, ये भी डंटा खा रहा है, हमें इसमें क्या अंतर है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जयने शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मनुष्य, तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है, मरण हो चुका है, हजारों बार तू मनुष्य माँ का गर्भ में आ चुका है, बहुत कष्ट हुआ है, इसीलिए मानव जीवन पाकर उस गोविंद परमात्मा का भजन करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दस विहीनम जातुम तुंडम वृद्धयति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचत यासा पिंडम। आचार्य शंकर कहते हैं कि मनुष्य संसार की ओर दौड़ते दौड़ते शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, बाल सर के झड़ जाते हैं, मुंह का दांत झड़ जाते हैं, हाथ में डंडा है, लेकिन फिर भी तदपि न मुंचित यासा पिंडम, फिर भी संसार से आशा लगाए हुए हैं। हे मूढ़ बुद्धि के मनुष्य, अभी तो गोविंद का भजन करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मानव जीवन का एक ही कर्तव्य है, देह धरे कर यह फल भाई, अभजिए राम सब काम बिहाई। इस जीवन को पाकर अगर हम राम का भजन कर ले तो सब काम पूरा हो जाएगा। ओके, प्रेम प्रणाम प्रेमी सचिनों, यदि वीडियो सुंदर लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। प्रेम प्रणाम।